उत्तर प्रदेश के बस्ती में डीएम आंध्रा वामसी के निर्देशानुसार एसडीएम गुलाब चंद ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में रविवार को गरीब असहाय निर्धन व विकलांग लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बस्ती विवेकानंद मिश्रा, सत्येंद्र सिंह भोलू, के दुबे आदि लोग मौजूद रहे। खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर बंजारा की जिंदगी गुजार रहे गुजर बसर करने वाले दर्जनों लोगों के बीच कंबल वितरण करने पर लोगों ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम के लिए सरकार को बधाई दी। एसडीएम गुलाबचंद ने बताया कि तहसील क्षेत्र में वैसे गरीब असहाय विकलांग लोगों को 300 कंबल मुहैया कराए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट जो है अपने अधीनस्थ एसडीएम की उपस्थित में और जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में कंबल वितरण का आयोजन किया जाए। आज जनपद बस्ती की सदर तहसील में ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह है। यहाँ पर लगभग 250 से 300 लाभार्थियों को कंबल वितरण किया गया है। इस समय हमारे साथ में है यहाँ पर माननीय सांसद जी हरीश द्विवेदी जी के प्रतिनिधि हैं, गुरजीत सिंह जी और उनके दुबे जी हैं, यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हुए हैं। जनप्रतिनिधि की उपस्थित में जिला मजिस्ट्रेट महोदय ये भी देखा जा रहा है काफी आगे की ठंड जो है बढ़ रही है और भी जरूरतमंद है, आगे प्रक्रिया चलती रहेगी कंबल वितरण। देखिए कंबल में 73 कैंप के माध्यम से हम लोग बंटवा रहे हैं और अभी भी बट रहे हैं, गांव-गांव ग्राम पंचायत में भेजे गए हैं। हम लोग कैंप के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बंटवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है, और कोई भी व्यक्ति जो लाभ पात्र है उसको कंबल से सर। जिले में अलाव की व्यवस्था जो है देखी गई है आपके द्वारा हर जगह व्यवस्था? कल अभी हम लोग कल रात में भी जो है रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है और अलाव की जलाव की व्यवस्था नगर पालिका क्षेत्रों में, गांव दूर दराज क्षेत्रों में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपदा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और लगातार उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि संबंधित तहसील के एसडीएम और तहसीलदार स्वयं जो है मौके पर जाकर शिविर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंबल का वितरण करें। आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर वितरण कर रहे हैं और ये अनवरत अभी वितरण जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।